इंदौर में युवक कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में राज्यसभा सांसद व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इंदौर में युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में संघ की तुलना दीमक से की है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर से नहीं दिखता। जिस तरह दीमक किसी वस्तु या घर में लड़ती है, उसी तरह आरएसएस काम करता है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेता हिंदू धर्म को खतरे में बताकर अपने मंसूबे पर काम करने में जुटे रहते हैं, जबकि हिंदू धर्म कभी खतरे में रहा ही नहीं। बात यह है कि हमारे इस विचारधारा में हिंदू धर्म को न कभी खतरा हुआ है न कभी खतरा रहा है, क्योंकि हमारा ये हिंदू धर्म जो है इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि यहाँ सबको उन्होंने स्वीकार कर लिया। दहाड़ना एक बात है, शेर होना दूसरी बात है। सर दहाड़ना बहादुरी का निशाना है, निशान है, दहाड़ना बहादुरी का संकेत है। शेर दहाड़ता जरूर है, लेकिन हम लोग हिंसा प्रवृत्ति के लोग नहीं है, हम लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं। सर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हमेशा रिमोटली सरकार चलाती आई, पहले मनमोहन सिंह जी को चलाया, अब चन्नी जी को चला रहे हैं, क्योंकि चन्नी जी पीएम के जो सिक्योरिटी में बीच हुआ था उसकी रिपोर्ट प्रियंका जी को करते हैं। अब कम से कम भाजपा ये ना कहे कि मोहन भागवत क्या चलाते हैं। आपने आरएसएस की तुलना दीमक से की है। मैंने ये कहा है कि दीमक जिस तरह से गुपचुप तरीके से हमारी व्यवस्था को बिगाड़ती है, बर्बाद करती है, उसी तरह से आरएसएस भी चुपचाप तरीके से पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। नहीं, बात यह है, आरएसएस को मैंने दीमक नहीं कहा है, उस चरित्र को कहा है। ऐसा है, जहाँ उसने थूका वहीं पहुँच गया। आपको हिंदू विरोधी बताया जाता है, कैलाश गर्ग ने बोला कि आप अपना नाम दिग्विजय खान रख लीजिए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है, कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं दिया है। इमरती देवी का दर्द छलका, कहा कि पार्टी बदली इसलिए चुनाव हार गई, आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ दम तो है, महाराज से कहे। बात यह है, आप योगी जी के भाषण सुन रहे हैं, आप उनके पास हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा कोई और आपने शब्द सुना उनका? मध्य प्रदेश में जब जब उठा पटक होती है तो नए नए चेहरे आते हैं, आपकी बात प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश में बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उसकी चिंता मुझे तो नहीं है। सर 2023 का इलेक्शन कांग्रेस इसके चेहरे पर लगा रही है, कमलनाथ जी के चेहरे पे, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चेहरे। क्या दिग्विजय सिंह जी को? ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।